एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है 26 दिसंबर 2023 और जैसा कि आप जानते हैं हम हैं रत्नगिरी, महाराष्ट्र के रत्नगिरी एरिया में हम लोग ठहरे हुए हैं कोहिनूर समुद्र में। सुबह का टाइम है, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर निकले हैं हम लोग। आज जा रहे हैं हम भाटिया बीच, जो कि मैं आपको 2-3 बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी। हमारा जो रिजॉर्ट जिस हिल के ऊपर है, जो पूरा प्रॉपर्टी उन्हीं का है कोहिनूर समुद्र का, तो उस हिल के बिल्कुल नीचे जो बीच पड़ता है उसी को हम भाटिया बीच के नाम से जानते हैं। तो हम जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, आई मीन लाइक एटलीस्ट दिस साइड ऑफ रत्नगिरी यहाँ के रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, इवन मार्किंग के साथ में है। एंड हम काफ़ी एग्जाइटेड है कि मतलब भाटिया बीच देखने का हमारा काफ़ी दिनों से मतलब सुना बहुत था लोगों से, यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत देखे हैं, तो देखते हैं कैसा है और आपको भी दिखाते हैं, साथ में बने रहिए। देखिए जैसे ही हम वो पहाड़ से नीचे उतरते हैं तुरंत ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन एक्चुअली सी बीच है वहां पे। यहाँ हम टर्न कर रहे हैं हमारी गाड़ी और यस काफी एक्साइटेड है हम ये बीच देखने के लिए। ये देखिए पहला व्यू भाटिया बीच का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कार पार्किंग है यहाँ पे, बट काफी टाइट स्पॉट लग रहा था मुझे कार पार्किंग का, तो देखते हैं कहाँ लगाने मिलती है। तो सामने बीच का नज़ारा देखिए आप, लेफ्ट साइड में पहाड़ है और राइट साइड में आपको बीच दिख रही होगी। तो काफ़ी यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, बहुत कम जगह पे ऐसा देखने मिलता है जहाँ आपको पहाड़ और बीचेस एक साथ देखने मिल जाए। हमने आज तक जितने भी बीचेस हमने देखा है घूमे हम लोग, चिराला हो चाहे वो गोवा हो, तो पहाड़ तो है गोवा में मगर बिल्कुल बीच के पास में नहीं है, या एटलीस्ट हम जहाँ पे गए वहाँ नहीं है। वैसे तो मैंने सुना है कि गोवा में भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे बीच के पास में पहाड़ भी है, बट हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। ये रहा बीच का नज़ारा, आप देख सकते हैं एक्चुअली उतना ज़्यादा कमर्शियल प्लेस है नहीं रत्नागिरी, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा लोग है नहीं यहाँ पे, मतलब कुछ 50-60 लोग कुछ होंगे। एक गाड़ी भी दिख रही है आपको, जब मैं बीच पे गाड़ी देखता हूँ तो मेरे को उस टाइम की याद आ जाती है जब मैं पजेरो लेके चिराला में चला गया था और फंस गया था, तो काफ़ी घबराहट होती है। एक बार क्या मतलब जब फंस जाते हैं यहाँ पे आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप जनरली उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो भले ही आपकी 4x4 हो या 4x2 रहो इट इज़ नॉट वर्थ इट। ये देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए आप, बिल्कुल बीच के पास। सुबह के 10-10:15 बजे का टाइम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है टाइम, तो फिर भी देखिए लोग हैं थोड़े से मगर इतने भी नहीं है कि आपको अपनी प्राइवेसी ना मिल पाए यहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल है ये जगह, थोड़े नज़दीक जाके देखते हैं। ये देखिए बीच के बिल्कुल पानी के बिल्कुल पास में जब आप देखेंगे तो पानी काफी मतलब तो मैला जैसा लग रहा है, आई मीन लाइक इवन द बीच जो है थोड़ा काला टाइप दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे फिशिंग बोट्स तो देखे नहीं है। जैसे हमने चिराला में देखा था कि चिराला में काफ़ी फिशिंग होती है, तो रत्नगिरी में आई एम नॉट श्योर कि कितनी फिशिंग होती है, ज़्यादा बोट्स तो हमने देखे नहीं है फिशिंग ट्रॉलर्स की, होती तो होगी बट इतनी भी नहीं होती कि मतलब डीजल जो पानी से पानी में बह के जो किनारे पे आके जो बीच खराब कर देता है वो तो नहीं लग रहा है। मे बी द सॉइल ही इस टाइप की है, या यहाँ का सॉइल शायद हो सकता है कि थोड़ा सा ब्लैक इशू कॉम्पोजिशन, ये देख सकते हैं 360 डिग्री व्यू। यहाँ पे मैंने सुना था कि एक्चुअली आप हॉर्स राइडिंग या छोटे मोटे थोड़े बहुत गेम्स आप कर सकते हो, वाटर स्पोर्ट्स भी थोड़े बहुत कर सकते हो, बट आई थिंक सुबह सुबह का टाइम
मैं तो कुछ उतना दिखा नहीं है। वैसे वाटर स्पोर्ट्स के लिए गणपति पुले बीच या आरे बारे बीच या मालगुंड बीच सजेस्ट किया गया है हमको। तो आगे आगे हमारे वीडियोस में आप देखेंगे, वो भी प्लान है हमारा कि जितने वाटर स्पोर्ट्स हम कर सकते हैं वो कर सकें। वो ही हमारी ब्लैक बीस, ये एक सिद्धि विनायक टेम्पल है जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। ये अलग अलग वेंटेज पॉइंट्स, हमने कुछ फोटोज और वीडियो शूट किए यहाँ से, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम काफ़ी थक गए थे, काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, अब हम चाह रहे थे कि यहाँ से निकले, और भूख बहुत लग रही थी। तकरीबन 2 बज गए थे और बीच पे जब आप जाते हैं तो बहुत भूख लगती है, विच इज़ क्वाइट कॉमन, इवन गोवा में भी वही था। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और देखेंगे, हम कुछ कोंकणी फूड खाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी दिनों से मेरे टू डू लिस्ट में था, मेरे बकेट लिस्ट में था कि कोंकणी खाना खाना है। तो हम कोंकणी खाना खाने के लिए यहाँ से निकले हैं और हम पहुँच गए हैं कोंकणी प्लेस। एक ये रहा वो रेस्टोरेंट जो हमको ये बड़े होटल में नहीं खाना था, हमें एक मतलब लोकल प्लेस में खाना था। ये अम्बज्ञ करके जो आप देख रहे हैं, ये अम्बज्ञ होटल में हम ठहरे हैं। हम लोग रुक गए यहाँ पे, और ये आता है अपने वो आरे बारे बीच के पास में। आरे बारे तो जाना ही था हमें, बट आज नहीं, इसलिए हम पहुँच गए यहाँ पे। ढूंढते ढूंढते निकले थे हम लोग वो सिटी के होटलों में, हमको खाना नहीं था, हमको एक जेनुइन ऑथेंटिक कोंकणी प्लेस में खाना खाना था। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, ये है अम्बज्ञ। डिफरेंट टाइप के ये कल वाला और एक वाला होगा। ये रस्सा है, कोंकणी खाना वॉज रियली रियली ऑसम, बहुत अच्छा था। जो फिश करी था, एंड देन वी हैड प्रॉन फ्राई, एंड देन सोल कड़ी, जो कि जिस हम सुनते सुनते मतलब थक गया था मैं, और मुझे खाना ही था, मतलब पीना ही था तो सोल कड़ी को, तो सोल कड़ी हमने ट्राई की वहाँ पे। एंड ऑल दिस, मतलब यहाँ जनरली ऐसा होता है ना कि ये अला कार्ट और थाली टाइप नहीं, या थाली ज़्यादा चलती है, तो वो पूछते हैं कि आपको फिश थाली चाहिए या चिकन थाली चाहिए या वेज थाली चाहिए। तो हमने चूज़ किया था अपने लिए फिश थाली, और उसमें आपको चॉइस होता है और फ्रेश बना के देते हैं। वेटिंग टाइम थोड़ा सा था, बट दैट्स ओके, एक अच्छा इंडिकेटर होता है, जहाँ आपको वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है दैट मीन्स वो लोग फ्रेशली प्रिपेयर करके खिला रहे हैं। तो फूड वॉज रियली गुड। फिर हम पहुँचे हमारे खाना खाने के बाद में हम लोग पहुँचे हमारे रिसोर्ट पे, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हमने अपनी व्हील चेयर निकाली और पहुँचे हम हमारे रिसोर्ट के सनसेट व्यू पॉइंट पे। वो सनसेट व्यू पॉइंट जहाँ से आप भी देख रहे हैं, वो सामने लाइट हाउस दिख रहा है, और फिर जो पानी है एंड समंदर और माउंटेन का जो यूनिक कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है डिस्टेंस में, वो देख सकते हैं आप। द सनसेट व्यू पॉइंट इज रियली ब्यूटीफुल। और ये नीचे आप देख सकते हैं भाटिया बीच, जो हम सुबह जाके आए हैं, यहाँ से ऐसा दिखता है, हमारे रिसॉर्ट से ऐसा दिखता है। ये इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, दिस रिसॉर्ट इज रियली रियली गुड।
मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, अगर आप रत्नागिरी का टूर बना रहे हैं कहीं से भी तो आप जरूर कंसिडर कीजिए ये कोहिनूर समुद्रा को। स्टाफ काफ़ी अच्छा है, इनके जो जनरल मैनेजर है विजेंदर, ही वॉज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। उनका स्टाफ जहाँ जहाँ पे व्हील चेयर जाता नहीं है वहाँ पे वो लोग आके उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की है। तो विजेंदर पर्टिकुलरली मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब वेरी हेल्पफुल है। ही केप्ट चेकिंग ऑन मी इफ आई नीडेड समथिंग और इफ आई नीडेड समथिंग, इफ आई हैड एनी प्रॉब्लम। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए सामने आपको नज़ारे देख रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल प्लेस और इतनी शांति थी वहाँ पे कि बैठ के मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो हमारा भाटिया बीच का, रत्नागिरी महाराष्ट्र से। और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ओजू टेल्स। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। थैंक यू सो मच।